हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ASP.NET की पेज लाइफ साइकिल। सो जो ASP.NET की पेज लाइफ साइकिल है वो डिवाइडेड होती है कुछ इन पार्ट्स के अंदर। तो जो सबसे पहला है वो होता है कि पेज को रिक्वेस्ट किया जाता है। सो रिक्वेस्ट ऑफ पेज, कि जो पेज आपको व्यू करना है उस पेज को आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट द पेज विल स्टार्ट लोडिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टार्ट ऑफ पेज, एक बार पेज आपका स्टार्ट हो गया तो उसकी इनिशियलाइजेशन होगी, जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह हैं। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज, एक बार इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई तो पेज की लोडिंग होगी। देन जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं आपके, जो ASP.NET के अंदर वैलिडेशन के कंट्रोल्स होते हैं, वो सब काम करेंगे। सो वैलिडेशन इज़ देयर। इसके बाद आता है कि जो आपका पोस्ट बैक इवेंट है उसकी हैंडलिंग। सो हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक इवेंट, डिटेल में अभी हम देखेंगे इसमें कि इन सब का मतलब क्या है। देन द रेंडरिंग ऑफ पेज, रेंडरिंग का मतलब होता है कि जो पेज आपको जिस स्क्रीन पर देखना है, जिस साइज़ की स्क्रीन पर देखना है, उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होता है, रेंडर होता है। सो रेंडरिंग ऑफ पेज। एंड फाइनली अनलोडिंग ऑफ पेज, कि एक बार पेज आपका व्यू हो गया, ख़त्म हो गया, यूज़र ने ब्राउज़र को क्लोज़ किया, तो उसकी अनलोडिंग होगी। सो ये पूरी पेज की लाइफ साइकिल है ASP.NET के अंदर। सो एक बार आप इसको डिटेल में देखते हैं पूरा, कि हर एक चीज का मतलब क्या है। तो रिक्वेस्ट ऑफ पेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पेज इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम सर्वर, कि जब सबसे पहले आपने पेज को रिक्वेस्ट किया सर्वर से, तो पेज इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम सर्वर, ठीक है। सो अगर पेज पहली बार ही रिक्वेस्ट हुआ है, उससे पहले कभी पेज को रिक्वेस्ट नहीं किया गया था, तो उसका क्या होगा? पहले पेज को कंपाइल करेंगे, उसका रिस्पॉन्स को रेडी करेंगे और उसको यूज़र के पास भेज देंगे। और अगर पेज पहले से ही कंपाइल्ड है या दूसरी बार रिक्वेस्ट किया गया, तो कैशे के अंदर चेक करेंगे कि पेज का कंपाइल्ड वर्जन है या नहीं है। अगर है तो डायरेक्टली हम उसका आउटपुट भेज देंगे। तो पेज रिक्वेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, अगर फर्स्ट टाइम है तो क्या करेंगे, कंपाइल्ड एंड सेंड द रिस्पॉन्स। अगर पहली बार रिक्वेस्ट किया गया है तो, अगर नॉट फर्स्ट टाइम, पहली बार रिक्वेस्ट नहीं किया गया, उससे पहले भी उस पेज को रिक्वेस्ट किया गया है, तो क्या करेंगे, चेक कैशे एंड सेंड आउटपुट। तो रिक्वेस्ट ऑफ पेज का मतलब ये होता है जब पेज को सर्वर से रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद ये दोनों इसमें चेक किए जाते हैं। देन द सेकेंड इज स्टार्ट ऑफ पेज, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो इन दिस यू कैन राइट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो पेज से सर्वर के पास भेजा जाता है। और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या है? वो डेटा जो सर्वर से पेज के पास यानी यूजर के पास आता है। सो टू ऑब्जेक्ट्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। देन पेज का इनिशियलाइजेशन क्या है कि जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके पेज में, जैसे कि कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा या कोई चेकबॉक्स होगा, उन सबको इनिशियलाइज करना। सो इन दिस यू कैन सिंपली राइट इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेज कंट्रोल्स। अब वो कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेज कंट्रोल्स। तो यहां तक क्लियर है इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज तक। उसके बाद बात आती है लोडिंग ऑफ पेज,
सो लोडिंग ऑफ पेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट द पेज इज लोडेड विद डिफॉल्ट वैल्यूज. मतलब अगर आपने चेकबॉक्स की या टेक्स्ट बॉक्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है तो इस टाइम पे वो डिफॉल्ट वैल्यूज पेज के अंदर लोड हो जाती हैं. सो पेज इज लोडेड विद डिफॉल्ट वैल्यूज. ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स की आपने सेट कर रखी है डिफॉल्ट वैल्यू नेम, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम लिखा हुआ आ जाएगा. सो इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं. देन वैलिडेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब फॉर्म होता है कोई वेब पेज के ऊपर तो उसमें वैलिडेशन होती है, तो जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं वो सब यहाँ पे काम करते हैं. सो ऑल वैलिडेशन कंट्रोल्स लाइक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, जो जितने भी वैलिडेशन के कंट्रोल हैं वो सब यहाँ पे फॉर्म की वैल्यूज को वैलिडेट करते हैं. सो चेक्स फॉर्म वैल्यूज, और अगर फॉर्म वैल्यूज गलत हैं, दे आर नॉट राइट, तो क्या करते हैं वो एरर मैसेज शो करते हैं. और अगर फॉर्म वैल्यूज करेक्ट हैं तो वो डेटा को आगे सेंड करते हैं. सो दैट इज वैलिडेशन. देन वैलिडेशन के बाद बात आती है कि पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग क्या है, या हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक इवेंट क्या होता है. तो ये क्या है कि जब आप इसका सेम पेज को आप दोबारा से लोड करते हो तो ये वाला इवेंट रन होता है. सो जैसे कि अगर यूज़र ने सबमिट बटन को क्लिक किया और उस टाइम पे वही सेम पेज दोबारा से कॉल हो गया तो हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक इवेंट ट्रिगर होगा, ये कॉल होगा. सो दिस मेथड इज ट्रिगर, और दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन सेम पेज इज लोडेड अगेन. ठीक है, देन पेज रेंडरिंग. सो पेज रेंडरिंग क्या है कि कब होता है, जब सारा रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन यूजर को वापस भेजी जाती है. अब रेंडरिंग ऑफ पेज क्या है, एक तरह से कंपाइलेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन अ वे दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड, कि जो यूजर है उसको समझ में आना चाहिए. अब आप अगर सीधा XML यूजर को शो करा दोगे तो समझ में नहीं आएगा. तो जो रिस्पॉन्स आया है सर्वर से किसी फॉर्म का, किसी क्वेरी का, उसको इस तरह से कंपाइल करना कि यूजर को दिख सके वो. सो फाइनली द अनलोडिंग ऑफ पेज, इसका मतलब क्या है कि जब आपका रिस्पॉन्स यूजर तक पहुंच गया और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको मेमोरी में से फ्री कर देना. सो फ्रीइंग अप ऑफ मेमोरी. सो फ्रीइंग अप का मतलब क्या है, जितने भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको मेमोरी में से डिलीट करना. तो ये पूरी पेज लाइफ साइकिल है ASP.NET की. सो इसका सिंपल सा फ्लो इस तरह से, रिक्वेस्ट करना पेज को, देन पेज को स्टार्ट करना. स्टार्ट ऑफ पेज का मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेज कंट्रोल्स. देन इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज का मतलब है इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेज कंट्रोल्स, और सॉरी स्टार्ट ऑफ पेज का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है. इनिशियलाइजेशन में सारे पेज कंट्रोल्स को इनिशियलाइज किया जाता है. देन लोडिंग ऑफ पेज के अंदर पेज को डिफॉल्ट वैल्यू से लोड किया जाता है. वैलिडेशन में सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स को चेक करते हैं फॉर्म की वैल्यूज़ को, अगर सही है तो आगे भेजते हैं, नहीं है सही तो एरर मैसेज शो करना. देन हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक इवेंट कब होता है, जब सेम पेज अगेन लोड किया जाता है. रेंडरिंग ऑफ पेज का मतलब है कि यूज़र को रिस्पॉन्स को इस तरह से शो करना कि यूज़र उसे समझ सके. एंड फाइनली अनलोडिंग ऑफ पेज का मतलब है फ्रीइंग अप ऑफ मेमोरी. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.